तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो दिखाने वाला दोस्तों कि कैसे एक लड़की फुटपाथ पर पटना गांधी मैदान के दोस्तों बगल में कैसे एक लड़की दोस्तों अंश एक लड़की दोस्तों अकेले कैसे चाय बेच रही है और क्यों चाय बेच रही है दोस्तों। ऐसा प्रधान जी ने क्या बोले कि लड़की चाय बेचने पर दोस्तों उतर गई, इन सारी बातों को जानने के लिए इसके कारण क्या दोस्तों, सारे बात को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ताकि आप सभी को सारे बात दोस्तों इन्फॉर्म हो सके, सारे बात को पता चल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते फटाफट वीडियो को कि वीडियो में क्या किया गया दोस्तों, ठीक है तो वीडियो का स्टार्ट करते। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो भी करो, छोटी बात नहीं। चाय बेचने के बाद कोई लड़के वाला आपसे शादी नहीं करेगा? हाँ, ये मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं नहीं गलत करी, मम्मी को लगता है, मम्मी बहुत डर रही है, रिश्तेदार को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या शौक नहीं है मेरा, मजबूरी है क्योंकि मेरे पास अभी पैसे की कमी है तो मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। आत्मनिर्भर चाय वाली, ये दुकान का नाम क्या है? ये मैं नरेंद्र मोदी का। हाँ, यानी कि मोदी जी के कहने के अनुसार आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। BCA करने के बाद ये लड़की चाय बेच रही है और सोशल मीडिया पर इस वक्त सुर्खियों में है, आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर चाय वाली। जी हाँ, इससे पहले आप पटना में देखे होंगे कि ग्रेजुएशन चाय वाली प्रियंका गुप्ता जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और इसके बाद ये आत्मनिर्भर चाय वाली गांधी मैदान में पटना में यहाँ पर ये दुकान खुला है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये दुकान क्यों खुली है। नाम क्या हुआ आपका? मोना पटेल। अच्छा मोना पटेल, ये बताइए कि बहुत सारे लड़कियां अभी अगर देखा जाए तो चाय के दुकान खोल रही है, क्या कारण है? लड़कियां नहीं, बस एक प्रियंका मैम खोली है और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, उनसे इंस्पायर होकर दुकान खोले हैं? हाँ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने पूरा बताया है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो वो भी करो, कोई छोटी बात नहीं। ये बताइए चाय बेचने का क्या शौक है या फिर बेरोजगारी का कारण है? शौक नहीं है मेरा, मजबूरी है क्योंकि मेरे पास अभी पैसे की कमी है तो मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, मुझे चाय बेच के पैसे कमाने हैं। अच्छा, पैसे कमाना है, और आपका दुकान का नाम है आत्मनिर्भर चाय वाली। ये दुकान का नाम क्यों चुने हैं? ये मैं नरेंद्र मोदी का। अच्छा, हाँ, यानी कि मोदी जी के कहने के अनुसार आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं? हाँ, उन्होंने सख्त बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर भारत, सबको वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, तो मैं चाहूंगी कि गर्ल्स भी आत्मनिर्भर। अच्छा, आपके चाय के दुकान से बहुत सारे लोग गुजर रहे होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि लड़की होकर चाय बेच रही है? हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही थी फर्स्ट डे, बहुत सारे लोग क्या सोच रहे नहीं सोच रहे, बट मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं देख ही नहीं रही उधर, मैं इग्नोर कर रही हूँ। अच्छा, यानी कि लोगों के बात पर आप ध्यान नहीं देते? नहीं दे रहे, खुद की सोचते हैं? हाँ, खुद की सोच, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे, गलत करते तो डर लगता। अच्छा अच्छा, अगर आप चाहते तो कोई और भी बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन ये चाय बेचने का कारण क्या है? क्या पब्लिसिटी पाना है क्या? नहीं नहीं, अब लोग जो भी सोचे मेरे बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं बोल चुकी हूँ मुझे कम पैसे में इन्वेस्टमेंट, कम पैसे में कुछ अच्छा करना था तो कम पैसे में मुझे लगा ये बिजनेस सबसे अच्छा है, आप थोड़ा सा लगाओ और अच्छा प्रॉफिट पाओ इसलिए। अच्छा, आपके पास क्या क्या चाय है स्पेशल में? पान चाय, मसाला चाय, कुल्हड़ चाय और स्पेशल चाय, सारे चाय अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुल्हड़ चाय में प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या अभी एक सरकारी नौकरी वाला एक अच्छा कमा सकता है कि प्राइवेट जॉब वाला? प्राइवेट जॉब, मैं प्राइवेट जॉब का सपोर्ट नहीं करती, बट अगर आपकी बिजनेस है, बिजनेस अच्छी चल रही है तो आप सरकारी नौकरी से अच्छा कमा सकते हो, बहुत अच्छा कमा सकते हो। लेकिन चाय बेचने का ही कारण क्या है? बहुत लोग चाय का ही दुकान खोल रहे हैं, और सारी चीज़ें का भी तो दुकान खोल सकते हैं ना। चाय का क्या है ना कि चाय बिकता भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा चीज़ ये हुआ कि आप कम पैसा लगाओ ज़्यादा मिलेगा और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, तो सबको मे भी लगता होगा कि चाय में अच्छा प्रॉफिट है, ये सोच के बेच रहे हैं, बट मैंने ये सोच के नहीं किया, मुझे लगा कि कम पैसे में मेरा स्टार्ट हो जाएगा और मेरा थोड़ा बहुत खर्च निकल जाएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, 5 से 6 घंटे, उसके साथ मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, बस। अच्छा, ये सब सोच के मैंने ये। अच्छा, ये बताइए ये चाय खोले हुए कितना दिन हुआ दुकान खोले? आज मेरा दूसरा दिन। दूसरा दिन है। हाँ। कितना बिहारियों का सपोर्ट मिल रहा है आपको? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, एक दिन में एक कॉमन लड़की के लिए इतना सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, मेरे लिए बहुत। अच्छा, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि चाय बेचने के बाद कोई लड़के वाला आपसे शादी नहीं करेगा? हाँ, ये मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं नहीं गलत करी, मम्मी को लगता है, मम्मी। अच्छा। मम्मी बहुत डर रही है, रिश्तेदार को पता चलेगा तो क्या होगा, कैसे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों, कि क्या हर एक लड़की को दोस्तों ऐसा काम करना चाहिए, क्या ऐसा समाज में दोस्तों होना चाहिए, आप सभी का राय क्या है दोस्तों, तो आप सभी को राय जरूर दे दो। और नए हैं चैनल पर तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक पहुँचते रहे। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या हर लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर।